हेलो गाइस, दिस इज इरेन फ्रॉम bkwebtech.com। फ्रेंड्स, आज हम एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं वो X8 है, यानी कि कोरल ड्रा 18। और यहाँ पे आएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद में यहाँ पे अपना नेम डालेंगे डॉक्यूमेंट का, जो भी होगा हमारा। और यहाँ पे आएंगे, अब हमें साइज़ क्या लेना है यहाँ पे, तो साइज़ में हमें लेना है गाइड बिजनेस कार्ड, क्योंकि हम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस कार्ड लेंगे। तो यहाँ पे साइज़ ऑटोमेटिक दे देगा, हमें साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है वो 3.5 × 2.0 होता है। नंबर ऑफ पेजेस पूछ रहा है, कितने पेज आपको चाहिए, तो मुझे एक ही चाहिए, सिंपल सी बात है। और आप कलर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो हम कलर जो यूज़ करना चाहते हैं वो CMYK। और रेजोल्यूशन जो होना चाहिए वो 300 होना चाहिए। और आपको ओके, तो ये ओपन हो चुका है, और हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। ये हमने टेक्स्ट ऑलरेडी थोड़ा सा रेडी कर रखा है। यहाँ पे आएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, जस्ट कोने पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ पे ऐड फ्रेम करवाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हम कलर फिल कर देंगे, कोई मान लीजिए 20% ब्लैक फिल किया हमने, या 20 या 10% कुछ ऐसे कर देते हैं। और आउटलाइन हटाने के लिए हम यहाँ पे जो ये आपका एक्स बना हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका आउटलाइन हट जाता है यहाँ से। तो देखिए आउटलाइन हट गया है। अब सबसे पहले हम इनका लोगो रेडी करते हैं, कि लोगो कैसे रेडी करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनकी टैग लाइन है, और इसको उठा के इधर लाते हैं, छोटा कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपके दो रेडी हो चुके हैं। आपको डुप्लीकेट कैसे रेडी करनी है, राइट क्लिक करके माउस का कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके। और एक ये है कि आप कीबोर्ड से प्लस का साइन को, जो आपका बटन है उसको प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइए और एक रेक्टेंगल ड्रैग करिए। रेक्टेंगल ड्रैग करने के बाद में आप यहाँ पे आइए, इसको 45% पे रोटेट करा दीजिए। रोटेट कराने के बाद में फिर यहाँ पे आना है आपको, और थोड़ा सा और इसको रोटेट करवा देंगे, इतना सा, ओके, लगभग इतना सा। अब नीचे वाले रेक्टेंगल के साथ सेलेक्ट करेंगे और इसको ट्रिम कर देते हैं। फिर जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, लग रहा है कुछ, तो इसकी स्पेसिंग हम थोड़ा उसी हिसाब से कर देते हैं। ओके, अब ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देते हैं। ये इतना रेडी हुआ। अब आपको क्या करना है, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करना है, और फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आए और क्लिक किया, देन यहाँ पे आए, एक सिलेक्शन रेडी कर लेते हैं, ये किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद में देखिए, अब दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, दोनों जो नीचे वाले रेक्टेंगल हैं, और इनको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद में इसको डिलीट कर देते हैं, तो अब ये देखिए आपका एक रेडी हो गया। अब जो ऊपर अभी हमने ड्रॉ किया था उसको सेलेक्ट करेंगे, और नीचे वाले रेक्टेंगल को दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको हम ट्रिम कर देते हैं। तो ये देखिए ऊपर ट्रिम हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी फिर से आपको फ्री हैंड टूल लेना है, और यहाँ पे आएंगे, ड्रैग करना है आपको। आप यहाँ फ्री हैंड टूल, या फिर आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हमने क्या किया, ट्रिम कर दिया। अब इसमें हम कलर फिल कर देते हैं ब्लैक, और आउटलाइन रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे एक्स पे, और आउटलाइन आपके रिमूव हो जाती है, बाकी ये सारी चीजें हटा देते हैं। तो आपका ये साइन रेडी होता है। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसको आप इसको ब्रेक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करिए, के जैसे प्रेस करेंगे तो आपको ब्रेक हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा अंदर एडजस्ट करेंगे, और इस फॉन्ट को छोटा करेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा, जो इसकी टैगलाइन है, इसको इसका स्लोगन जो भी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे इसके लिए फॉन्ट कोई अच्छा सा ढूंढते हैं, जिससे ये रीड करने में आ जाए। हमेशा ऐसा फॉन्ट लीजिए जो एटलीस्ट कम से कम रीड करने में आ जाए। ऐसा फॉन्ट कभी मत यूज़ करिए जो रीड करने में बिल्कुल ही ना आए।
ठीक है, अभी थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है। अच्छा फोन पे रहते कोई न, न, या फिर यही रखते हैं, यही सही रहेगा। हाँ बेस्ट रहेगा, चूंकि पढ़ने में तो आ जाएगा। ओके, ये लगभग लोगो रेडी हो चुका है इनका, इसको रेड कर दिया हमने, और बाकी ब्लैक ही रखते हैं। ये सिंपल से एक हमने लोगो बना लिया ऐसे ही, और अब देना चाहते हैं एक आउटलाइन, तो यहाँ पे भले इसको दे दीजिए, चूंकि ये इंटीरियर का है ना, यहाँ से लीजिए और यहाँ तक इसको ट्रैक कर दीजिए, ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है वो भी रेड दे देंगे। रेड देने के बाद में इसको पेस्ट डाउन, ठीक है, तो ये रेडी हुआ इतना इनका। अब क्या करना है, मैं इनका लोगो रेडी हो चुका है, हम इसको कंट्रोल जी करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, ये पूरी डिटेल लेंगे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम रूलर ले लेंगे ताकि इक्वल रहे ये, नंबर्स के आगे हम प्लस वन टाइप कर देते हैं, +91। ओके, और नाम में थोड़ा दूसरा फॉन्ट लेते हैं, इसको भी ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के जस्ट बाद में इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। जो भी टैग होता है, जो भी पोजीशन होता है, ऐसे दर्शाते हैं। बाकी ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते थे, जैसे यहाँ पे मोबाइल का साइन दिखा सकते हैं और ईमेल का साइन दिखा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वीडियो को थोड़ा सा कोई ये फॉन्ट ले लिया और यहाँ पे इसको रेड देते हैं, और इसके बाद में आएंगे यहाँ पे एक हल्की सी ये ड्रैग करेंगे और टेक्स्ट के साथ इसको अलाइन इसका कर लेंगे सेंटर, और इसकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब बात आती है इसका डुप्लीकेट बनाने की। डुप्लीकेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग, या फिर कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे और फिर, ठीक है, ऐसे करके हम इसको अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके आगे पॉइंट्स भी लगा सकते थे, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसा क्या करना चाहते हैं। इसके आगे पॉइंट्स, बाकी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें करने पे, है आप जितना ज्यादा कर सकें इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो करना है डुप्लीकेट बनाने के लिए, आप सिंपल से काम करिए, कीबोर्ड से प्लस प्रेस करिए और डुप्लीकेट रेडी हो जाएगी, और इसको छोटा कर देंगे बस, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होगा। ये टेम्पररी मैं कलर फिल कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, और यहाँ पे सेव टूल पे आएंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे आएंगे, इसके लगभग सेंटर पे, और इसको ठीक है ऐसे करेंगे, हल्का सा नीचे कर देते हैं इसको। अब इतना रेडी करने के बाद आपको आपको क्या करना है दोस्तों, अब फिर आप कीबोर्ड से प्लस
प्लस प्रेस करेंगे और इसमें आप कोई दूसरा कलर डाल देंगे, मैंने ब्लैक डाल दिया। फिर आप इसको कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और इसमें कोई कलर डाल देंगे दूसरा, जैसे कि मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि थोड़ा सा और इसको ओके। अब हम ऊपर वाला जो हमारा रेक्टेंगल है उसको नीचे ब्लैक वाले से सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे और यहाँ पे आने पर ट्रिम कर देंगे। तो क्या होगा, ये ऊपर डिलीट हो जाएगा और आपका ये ब्लैक बचेगा। ब्लैक को आएंगे और इसकी भी डुप्लीकेट रेडी करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कीबोर्ड से प्लस प्रेस करते हैं और ये आ गया। और इसके बाद में हम इसको वाइट फिल कर देंगे। ठीक है, जी हाँ, इतना रेडी हुआ। अब आपको क्या करना है, अब हम कोई एक टेक्सचर सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैंने सर्च किया हुआ है टेक्सचर बैकग्राउंड। अब टेक्सचर बैकग्राउंड ऐसे डालेंगे तो आपको हजारों के हिसाब से मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिए। सो मैंने ये वाला चूज किया और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, आप वहां से आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, इसको छोटा करेंगे, इसको 45 डायरेक्टली 90 कर देते हैं। ओके, 90 किया और क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप करेंगे और यहाँ पे इसको पावर क्लिप कर देते हैं। ठीक है, अब पावर क्लिप एडिट करते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे आप, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। और अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे आएंगे और इसको एडिट करेंगे। ओके, आई थिंक इट्स बेटर। ओके, काफी सही हो गया है, अच्छा लग रहा है। ये जो आपका ब्लैक है इसको थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ब्लैक है, इसको 80% या 90% रखते हैं या 70-80%। ओके, 80% पे सही आ रहा है क्योंकि पहले कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये वाली रेड वाली जो लाइन है लोगो में है और इसको अनग्रुप करेंगे, इसका वाइट कर दिया हमने और ये आउटलाइन है इसको भी वाइट कर देंगे। ठीक है, और जो इसका टैग है पोजीशन है इसको भी वाइट कर देंगे दिखाने के लिए, नाम को भी चाहे तो हम वाइट कर सकते हैं, ये पूरा हम वाइट कर देंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है तो ना। सो ये सारी चीजें लगभग वाइट कर देते हैं और लोगों को वही रहने देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तक के लिए बाय बाय।